हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत खास लाई हूँ जो है हमारे सपनों से रिलेटेड। सपने में हम बहुत बार छोटे बच्चों को देखते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? कई बार हम बच्चों को हंसते हुए देखते हैं, कई बार उन्हें खेलते हुए देखते हैं, अपने बच्चे हों या दूसरे बच्चे हों। आखिर ये बच्चों का जो सपना होता है वो क्यों आता है, और आने के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे सपने का मीनिंग क्या होता है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, जो सपने होते हैं वो शास्त्र के अनुसार बहुत सारे हमें इंडिकेशन देते हैं। बट फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के थ्रू अंधविश्वास या किसी चीज़ को मानने पे जोर नहीं दिया जा रहा है। बस आपकी जो उत्सुकता और क्यूरियोसिटी है उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आई होप वीडियो आप एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी बहुत से सपने देखते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों को छू जाते हैं और मन में इनसे जुड़े संकेत जानने की उत्सुकता भी पैदा करते हैं। जैसे स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने भविष्य में होने वाले संकेत देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सपने में किसी छोटे बेबी को देखते हैं तो ये सपना आपको किस ओर इशारा करता है, क्या इंडिकेशन देता है? इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सपने में छोटे बच्चे को हंसते हुए देखना। यदि आप सपने में खुद के बच्चे या किसी और के बच्चे को मुस्कुराते देखते हैं तो यह सपना आपके लिए बहुत शुभ सपना है। यह सपना आपके जीवन में पॉजिटिविटी का बदलाव को दर्शाता है। यह सपना आपके भाग्य, उन्नति, सफलता, प्रगति, नई आशा, अनुकूल समय को दर्शाता है। कोई जीवन में परेशानी चल रही तो उस परेशानी का जल्द अंत होगा, इस बात का इंडिकेशन देता है। सेकंड है फ्रेंड्स, सपने में बच्चे के साथ खेलना। अगर आप सपने में किसी बच्चे के साथ खेलते हैं तो यह सपना आपके लिए बहुत शुभ सपना है। यह सपना आपको जीवन में बढ़ने वाली उन्नति को दर्शाता है। यह सपना आपके जीवन में प्रसन्नता, मानसिक खुशी, भाग्योदय, सहयोग मिलने, आत्मसंतुष्टि को दर्शाने वाला सपना है। आप बहुत ऊर्जावान मीन्स एनर्जेटिक महसूस करेंगे। कोई परेशानी है तो उसका भी जल्द समाधान निकलेगा। थर्ड है फ्रेंड्स, सपने में सुंदर बच्चा देखना। यदि आप सपने में किसी सुंदर बच्चे को देखते हैं, बच्चा आपको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो यह सपना आपके जीवन में बड़े बदलाव को दर्शाता है। यह सपना आपके लिए बहुत शुभ सपना है। यह सपना आध्यात्मिक उन्नति, समृद्धि, सफलता, सिद्धि और उसके साथ आपको लाभ का प्रतीक है। यह सपना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको खुशी, प्रसन्नता, शांति का संकेत देता है। और थे हमारा फ्रेंड, सपने में बच्चों को दौड़ते हुए देखना। यदि आप सपने में किसी बच्चे को दौड़ते हुए देखते हैं तो आप यह सपना आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह सपना आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस को दर्शाता है, आपको मनोबल बढ़ाएगा। आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, सही निर्णय लेते हैं, इसलिए आपको लोगों का जो सहयोग मिलेगा। आप अपने जीवन में तरक्की करने वालों में से हैं, आपके कार्य में तेजी आएगी, मीन्स माने तो ये पॉजिटिविटी को दर्शाता है। फिफ्थ है हमारा, सपने में बच्चों को रोते हुए देखना। फ्रेंड्स, बच्चे इतने मासूम होते हैं, अगर आप उनकी प्यारी सी हंसी देखते हैं, मुस्कान देखते हैं, तो आपका दिल कितना भी दुखी क्यों ना हो आपको खुशी मिलती है। उसी तरह अगर कोई बच्चा रोता है, आप उसे देखते हैं, तो आपको भी उस बात से दुख होता है, बच्चा क्यों उदास है। उसी तरह सपने में भी कुछ इनके इंडिकेशन हमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की तरफ ही लेता है। तो अब जानते हैं सपने में बच्चों को रोते हुए देखना। यदि आप सपने में किसी बच्चों को रोते हुए देखते हैं तो यह सपना आपके लिए थोड़ा नेगेटिविटी के लिए ले जाता है, थोड़ा शुभ मान सकते हैं। यह सपना आपके जीवन में जो बनने वाली जो समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको थोड़ा इंडिकेट करता है। यह सपना आपके चिंता, कष्ट, निराशा, डर, धोखा, ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा अलर्टनेस आपको बढ़ाता है। फ्रेंड्स, बच्चे को रोते हुए देखने के आपको दो इंडिकेशन एक समझ सकते हैं, एक पॉजिटिवली भी ले सकते हैं आप, एक नेगेटिवली भी। नेगेटिवली इसलिए क्योंकि कुछ कष्ट और जो निराशा मिलने वाली उस चीज़ को सोच के। बट अगर आप किसी को बहुत जल्द विश्वास करते हैं या आपको किसी वजह से निराशा है तो उस चीज़ के लिए आपको उभरना चाहिए। आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है सही गलत का लेने के लिए आपको एक दिशा दिखाती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, इससे आपको अलर्टनेस मिलता है और जिससे आप अपनी जो हैप्पीनेस है उनकी ओर जाएं। और आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स, इन सारे सपनों का साइंटिफिक रीज़न नहीं है, हमारे शास्त्रों के नियम के अनुसार कुछ सपनों के जो मीनिंग होते हैं वो ही मैंने आपसे शेयर किया है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें।